हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्स फोर्स हिंदी में। मेरा नाम है आदर्श भाषण और आज हम बात करेंगे वेब टू लीड फॉर्म के बारे में। वेब टू लीड फॉर्म क्या होता है, क्यों हम उसको सेल्स फोर्स में यूज करते हैं और कैसे हम उसको सेल्स फोर्स में बना सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे वेब टू लीड का एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, जो गूगल पे भी आप कहीं से भी देख सकते हो नॉर्मली। तो वेब टू लीड फॉर्म इज यूज टू कैप्चर द इन्फॉर्मेशन ऑफ विजिटर्स एंड स्टोर दैट इन सेल्स फोर्स एज अ लीड। सिंपल, कोई भी विजिटर किसी भी साइट पे जब जाता है तो मोस्टली साइट क्या करने की कोशिश करती है, उस विजिटर की इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके अपने डेटाबेस में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो उस विजिटर को इन फ्यूचर कॉन्टेक्ट कर सके और अपना अकाउंट या कॉन्टेक्ट बनाने में सक्सेसफुल हो जाए। तो बेसिकली सेल्स फोर्स में भी ऐसा ही होता है। सेल्स फोर्स में जो वेब टू लीड फॉर्म है उसमें जो भी विजिटर की इन्फॉर्मेशन है उसको हम एज अ लीड स्टोर कर लेते हैं सेल्स फोर्स में। तो लीड एक ऑब्जेक्ट है, आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता, जो अभी बिगनर है उनको मैं बता देता हूँ। लीड एक ऑब्जेक्ट होता है सेल्स फोर्स में, जो हमारा लीड पोटेंशियल कस्टमर, जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लीड ऑब्जेक्ट में स्टोर कराते हैं। इंटरेस्टेड कस्टमर मींस जो भी किसी भी बिजनेस में इंटरेस्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लीड ऑब्जेक्ट में स्टोर कराते हैं। जैसे कि वेब टू लीड फॉर्म का पर्पस ही ये है कि वो वेब टू लीड फॉर्म किसी भी साइट के होम पेज पर डाल देते हैं और जैसे ही कोई भी विजिटर उस साइट पर जाता है, उस साइट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके अपने डेटाबेस में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने सेल्स फोर्स में अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। तो ये मेरा, अब यहाँ से आप गियर आइकन पर क्लिक करके सेटअप पे जाओगे। सेटअप में सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है वेब, सेलेक्ट दिस ऑप्शन वेब टू लीड, देन क्लिक ऑन दिस बटन क्रिएट वेब टू लीड फॉर्म। यहाँ पे आपको जो भी फील्ड्स आपको उस फॉर्म में दिखाने हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अवेलेबल जितने भी फील्ड्स हैं वो यहाँ पे हैं, जो भी लीड ऑब्जेक्ट पे आपके फील्ड्स बने हुए हैं। तो अभी के लिए यही सफिशिएंट मेरे को लग रहा है, तो हम यही रखते हैं। देन यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे रिटर्न यूआरएल का। तो रिटर्न यूआरएल का बेसिकली पर्पस ये होता है कि जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म आपका किस पेज पे लेके जाएगा, कहाँ पे वो आपको रिटर्न करेगा। तो अभी के लिए जैसे ही हम इसको फॉर्म को बनाते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी पेज है आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट सब ऑफ दैट सबमिट बटन, तो मैं इस पेज पे आके लैंड हो जाऊं। तो इसके लिए मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूं और सिंपली मैं यहां पे जाके पेस्ट कर देता हूं। तो ये मेरा रिटर्न यूआरएल हो गया। अब इसके बाद कैप्चा अगर आपको करना है इंक्लूड आप कर सकते हो, अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं। नाउ आप सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन जनरेट। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा ये वेब टू लीड फॉर्म जनरेट हो गया है। अभी इसको हम क्या करेंगे, हम डेवलपर कंसोल में जाएंगे, सिंपली गियर आइकन पे क्लिक करके एक वीएफ पेज बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं डेमो वेब टू लीड फॉर्म। तो ये एक मैंने वेब पेज बना लिया है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी दैट कोड एंड पेस्ट इट हियर। अभी आप जब इसको सेव करने की कोशिश करोगे तो आपके पास एक एरर आएगा। तो ये क्या कह रहा है एरर आपको कि ओपन कोट इज एक्सपेक्टेड फॉर एट्रीब्यूट टाइप एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट इनपुट, कि जितने भी आप इनपुट के टैग हैं वो सारे आपको बंद करने होंगे। ये मेटा का भी हम बंद कर देते हैं। आप नीचे देखोगे कि इनपुट का टैग ओपन है और ये भी आपको कॉमास के अंदर बंद करना होगा। सिंपली इसको भी बंद करना है, वैसे ही नीचे जितने भी मेरे बीआर टैग हैं उनको भी हमें बंद करना है, तो हम इनको भी बंद कर देते हैं। सारे बीआर टैग हम क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज आपको फॉर्म में एरर देगा, वो सेव नहीं करने देगा। ये सबमिट को भी हम बंद कर देते हैं। नाउ ट्राई टू सेव द फॉर्म। तो आप सेव करते हो तो हो गया।
अभी इसको हम प्रीव्यू करते हैं। तो जब हम प्रीव्यू करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये फॉर्म बन गया। अगर अभी हम इसमें इस फॉर्म को फिल करता हूं तो मेरा ये फॉर्म एक लीड बनाएगा और मुझे कहां पे लैंड कर देगा, इस वाले पेज पे लैंड कर देगा। तो ट्राई करते हैं एक लीड बनाने का। आदर्श ईमेल इज कंपनी इज टेस्टिंग, सपोज सिटी इज नोएडा, स्टेट यूपी। सबमिट करते हैं। तो आपने देखा जैसे ही मैंने वो सबमिट किया तो मैं आके इस वाले पेज पे रेंडर हो गया। अभी मुझे वो अपना लीड, मैंने आदर्श के नाम से लीड बनाया है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मुझे वो लीड शो होना शुरू हो गया। अभी आप देख रहे हो कि ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है ये मेरा पेज। सपोज करो आपके डेली बहुत सारे लीड्स आते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक टुडे लीड का एक लिस्ट फिल्टर भी बना सकते हो, जिससे आप देख पाओगे कि आज के जितने भी मेरे लीड हैं वो इजीली आप वहाँ पे उस लिस्ट व्यू में जाके देख सकते हो। तो वो मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगा, इससे पहले अभी जाके एक चीज और कर लेते हैं हम। तो अभी हम इस फॉर्म को जब मैं प्रीव्यू करता हूँ दोबारा से, तो आप देखोगे कि ये फॉर्म तो बन गया और ये जो मैंने लीड बनाया है, मैं इसको भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आदर्श का जो मेरा लीड बना था अभी, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप इसके डिटेल्स में जाओगे, यही सारा इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पे डाला था, कंपनी, ईमेल, एड्रेस में मैंने नोएडा सिटी डाली थी, स्टेट यूपी था। तो ये मेरा लीड बन गया। बट इसका जो आप व्यू देख रहे हो तो दिखने में बहुत ऑड लग रहा है। तो सिंपली आप जैसे HTML में स्टाइलिंग करते हो टैग्स वगैरह का यूज करके, सेल्सफोर्स में भी VF पेज में आप उस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो आपको एक div टैग यूज करना है, क्लास यूज करनी है। ये क्लास का नाम है फॉर्म स्टाइल 5। ये div टैग हम नीचे बंद करेंगे। यहाँ पे मैंने YouTube टैग क्लोज कर दिया। स्टाइलिंग के लिए मैंने नोटपैड में एक कोड रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जब जाओगे सिंपली आपको कुछ भी स्टाइलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक डाला हुआ है अभी वीडियो बनाने के पर्पस से, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक हेड टैग बनाना है, जिस तरीके से आप HTML में बेसिक टैग होते हैं ये, तो वो आप VF पेज में भी यूज कर सकते हो। सिंपली आपको कोड पेस्ट मैंने यहाँ पे देखो करा, मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ अपना फॉर्म। और इसके बाद हम चेक करते हैं कि इसका लुक एंड फील देखोगे आप तो बदल गया होगा और दिखने में थोड़ा सा हमारा फॉर्म अच्छा लगेगा। आई विल ट्राई टू सेव दैट। ओके, तो फॉर्म सेव हो गया है। सिंपली प्रीव्यू करते हैं तो देखो अभी थोड़ा हमारा फॉर्म दिखने में अच्छा लग रहा है। अभी अगर आपको सपोज यहाँ पे कोई लोगो भी ऐड करना है या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो वो आप लोगो वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हो। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक लोगो मैंने डाउनलोड किया हुआ है सेल्सफोर्स का, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने एक सेल्सफोर्स का लोगो डाउनलोड किया हुआ है, ये मेरा SF लोगो। अभी मैं चाहता हूं कि मेरा वेब टू लीड फॉर्म पे मैं ये लोगो भी दिखा दूं यहाँ पे। तो इसके लिए कुछ नहीं, मेरे को सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा कि ये लोगो मुझे अपने सेल्सफोर्स के स्टैटिक रिसोर्स में अपलोड करना होगा। स्टैटिक रिसोर्स में अपलोड करने का मतलब सिर्फ इतना है कि सपोज मैं डायरेक्ट URL भी गूगल से उठा के पेस्ट कर सकता हूँ अपने कोड में, कोई इशू नहीं है, वो भी चल जाएगा। बट इन फ्यूचर अगर वो गूगल से इमेज हट गया या कुछ लॉस हो गया उस इमेज का, वो तो वो आपका उस पेज से भी हट जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जब भी इमेज का यूज कर रहे हो सेल्सफोर्स में, तो पहले आप उसको स्टैटिक रिसोर्स में जाके अपलोड कर लो, देन आप उसको अपने कोड में यूज करो। तो इसको हम रख लेते हैं इसका नाम सेल्स फोर्स लोगो।
simply click on that, select that logo and save that. Now click on that view file. Okay, अभी आपको क्या करना है, ये तो टैग कैसे हो गया, वन सेकेंड. अभी आपको क्या करना है, ये लोगो यूज करना है. तो लोगो यूज करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल इमेज SRC, तो जितने भी लोगों ने HTML पे काम किया होगा तो उनको ये सारे टैग्स इजीली वो समझ जाएंगे. यहाँ पे आपको पेस्ट करना है ये URL, कॉपी दैट URL एंड पेस्ट इट हियर. इसकी आप एट्रीब्यूट्स वगैरह भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे विड्थ भी आप इसको दे सकते हो, हाइट भी दे सकते हो. तो विड्थ अभी के लिए हम रखते हैं इसका 200 रख देते हैं, और इसका आप अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो. तो हम इसको अलाइन करते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट, और इसको हम क्लोज कर देते हैं. नाउ सेव. देखा, तो अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक लोगो भी डाल दिया. तो ये मेरा वेब टू लीड फॉर्म बनके तैयार हो गया है. मैं दोबारा से एक लीड बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको. आपको कोई फील्ड मैंडेटरी भी बनाना है वो भी सिंपली आप कुछ नहीं जाके यहाँ पे टैग में वो फील्ड रिक्वायर्ड कर सकते हो. तो मैं इसको सबमिट करता हूँ. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा लीड तो बन गया, बट मुझे वो यहाँ पे सर्च करना होगा लीड. तो आपने देखा राम यादव का लीड मेरे को यहाँ पे शो हो गया. एक जल्दी से मैं आपको एक तरीका और बता सकता हूँ जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. सपोज डेली बेसिस पे आपके बहुत सारे लीड्स क्रिएट होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, तो आप नेम से सर्च करोगे इसको तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. तो आप सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे जाके एक लिस्ट भी बना सकते हो. न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डाल दो टुडेज लीड. सो अगर आप ये खुद को ही दिखाना चाहते हो या सारे यूजर्स को दिखाना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. सो अभी के लिए मैं ओनली आई कैन सी द लिस्ट भी सेलेक्ट करता हूँ. सेव ऑन दैट All the leads. Now, अब हम यहाँ पे एक फिल्टर ऐड करते हैं कि क्रिएटेड डेट जिसका आज का है, टूडे, सिर्फ वही लीड दिखाई दे मुझे इस लिस्ट फिल्टर में. तो अभी आपने देखा कि मैंने दो ही लीड बनाए थे, एक आदर्श का बनाया था और एक राम का बनाया था. दोनों लीड मैं इजिली यहाँ पे देख पा रहा हूँ. अभी मेरा रेंडर होके जो आ रहा था रिटर्न URL, मेरा रिटर्न URL ये था, ये मेरा रिटर्न URL था. आप अपना रिटर्न URL चेंज करके ये टुडेज लीड भी कर सकते हो. तो सिंपली जैसे ही आपका वो लीड बनेगा, टुडेज लीड के पेज पे वो आपका रेंडर हो जाएगा. सो अभी के लिए इतना ही. इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे वेब टू लीड बना सकते हैं इजिली सेल्सफोर्स में, और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, और इसको हम किसी भी पेज पे, किसी भी वेबसाइट के पेज पे डाल सकते हैं, जिससे हम जितने भी विजिटर्स हैं वहाँ के, जो भी उस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनका इन्फॉर्मेशन हम कैप्चर करके सेल्सफोर्स के लीड ऑब्जेक्ट में स्टोर करा सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.